नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी के न्यूज एवं करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आजकल की कुछ महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम को लेकर के जो है हम उपस्थित हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं जो परीक्षा उपयोगी हैं उसको हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इन सभी जो घटनाओं का रिवाइज करते रहिए, अपने अन्य परंपरागत विषयों के साथ साथ जो इन विषयों को भी जो देखते रहिए, जिससे परीक्षा के संदर्भ में आपकी जो है दावेदारी कहीं ना कहीं मजबूत हो सके। तो इसी के क्रम में हम लोग जो है देखते हैं GI टैग को लेकर के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है न्यूज है जिसे हम यहां पर देखना चाहेंगे, कवर करना चाहेंगे। तो सफेद प्याज को लेकर के जो है महाराष्ट्र में जो है GI टैग प्रदान किया गया है, यानी कि महाराष्ट्र में सफेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है। पूर्व में भी हम लोगों ने देखा था GI टैग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाले जो है वस्तुओं या जो है पौधों या जो है फलों को उन क्षेत्र की विशेषता और गुणों के आधार पर जो संकेतांक प्रदान किया जाता है, दैट इज कॉल्ड GI टैग, जो कि सफेद प्याज को महाराष्ट्र में दिया गया है। वाडा कोलम एक चावल का प्रकार है, इसे भी जो है महाराष्ट्र में ही जो है GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग से संबंधित कई भी सवाल आज के डेट में लेक्चर में जो है तो हमने इसको जो है पहले नंबर पर रखा है। तो वाडा कोलम भी जो महाराष्ट्र में, इसे भी जो GI टैग प्रदान किया गया है। और एक अगला है चिन्नौर चावल, दो चावल यहाँ पे हो गए, वाडा कोलम चावल, चिन्नौर चावल को जो है MP मध्य प्रदेश में जो है चिन्नौर चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से जो है सफेद प्याज, वाडा कोलम चावल और चिन्नौर चावल को जो GI टैग प्रदान किया गया है, GI टैग किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को उस क्षेत्र की जो है विशेषता और विशिष्ट गुणों के कारण से जो संकेतांक प्रदान किया जाता है, दैट इज कॉल्ड GI टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया जाता है, जो कि इस क्रम में जो है प्रदान किया गया है। अगला महत्वपूर्ण जो है खेल मध्यस्थता केंद्र, खेल मध्यस्थता केंद्र, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र जो है वो किस राज्य में है, गुजरात में। भारत का पहला खेल मध्यस्थता जो केंद्र है गुजरात में है। खेलों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो मामलों के संदर्भ में इस तरीके के जो है संस्थान का एक महत्व है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत का जो है पहला जो है खेल मध्यस्थता केंद्र, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र गुजरात में जो है स्थापित किया गया है। और अगली महत्वपूर्ण जो सूचना है वो हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण जो कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया गया, हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण कार्यक्रम, वन रोपण जो है कार्यक्रम ये तेलंगाना में जो है प्रारंभ किया गया है, तेलंगाना में जो प्रारंभ किया गया है जो है हरा भरा ड्रोन आधारित जो वन रोपण कार्यक्रम कहां पे प्रारंभ किया गया है, तेलंगाना में जो प्रारंभ किया गया है। भूपेंद्र यादव के द्वारा वेटलैंड इंडिया पोर्टल प्रारंभ किया गया है, वेटलैंड इंडिया पोर्टल प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और यह बेसिकली जो है आर्द्र भूमियों के संदर्भ में जो है सिंगल पॉइंट एक्सेस, यानी कि एक बिंदु जो है पहुंच का जो है एक पोर्टल होगा जिसके माध्यम से वेटलैंड के बारे में जानकारी एकत्रित करना इंपॉर्टेंट होगा। वेटलैंड एक ऐसा जो क्षेत्र होता है जो कि पूरी तरीके से जो है भूमि और जल के बीच का क्षेत्र होता है, और ये जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वेटलैंड के संदर्भ में जो है एक महत्वपूर्ण जो है पोर्टल, वेटलैंड इंडिया पोर्टल को जो है प्रारंभ किया गया है, जिससे कि आज भूमियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसी क्रम में हम लोग जो है अगली महत्वपूर्ण जो है सूचना को देखेंगे। इसमें गुलाबी गेंद टेस्ट में जो है, अभी हाल की न्यूज, गुलाबी गेंद टेस्ट में भारत की तरफ से, गुलाबी गेंद टेस्ट में किसी महिला के द्वारा जो है शतक लगाया गया पहली बार भारत में जो है वो है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के द्वारा जो है गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में पहली महिला होने का जो खिताब प्राप्त किया, जिन्होंने जो है शतक लगाया है, यानी कि गुलाबी गेंद टेस्ट के
मैच में जो है पहला शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना बन जाती हैं। और इसी बीच ब्रजेश सिंह एक नाम है, ब्रजेश मिश्रा सिंह नहीं है, ब्रजेश मिश्रा का हाल में निधन हो गया है। और यह है भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पहले जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। कई बार नामों को भी जो है कूट या मिलान के रूप में देता है, तो वहां पे इसकी जानकारी आप लोगों के लिए होना आवश्यक है। अभी हाल में ही जो है गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है, संग्रहालय, गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई, चूंकि गांधी जो है 2 अक्टूबर अभी हाल फिलहाल में जो है गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये प्रश्न भी आगामी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है। गांधी संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में गुलाबी टेस्ट, गुलाबी गेंद टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। ब्रजेश मिश्र जो है भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और गांधी संग्रहालय बांग्लादेश में बनाई गई थी। तो ये आज और कल की कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप इसी तरीके से जो अध्ययन करते रहिए और करंट अफेयर्स के बारे में एक बेहतर अप्रोच पैदा करते रहिए। परंपरागत टॉपिक के साथ में जो आप अपने एग्जाम को जो है एक संपूर्ण वे में जो है तैयार करने का प्रयास कीजिए। आज के लेक्चर में बस इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ हम उपस्थित थे। अगले लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।